50,000 करोड़ रुपए का घाटा हर साल करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आपने हरियाणा के ऊपर कर रखा है, पैसा गया का। डेमोक्रेसी की अगर हत्या हमारे जीवन काल में हो तो हम चुप ना रहे। गुरुग्राम के सेक्टर 31 कम्युनिटी सेंटर में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं डॉक्टर्स विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा के संयोजन में अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज देश में लोकतंत्र के हालातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा एवं समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने लेखक प्रंजय गुहा, रघु ठाकुर एवं सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बतौर वक्ता उपस्थिति दर्ज करवाई और लोकतंत्र की परिस्थितियों पर अपने विचार रखे। डॉक्टर सारिका वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जन तक लोकतंत्र के सही मायने को पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में ना सिर्फ वक्ताओं ने अपने विचार रखे बल्कि श्रोताओं ने भी वक्ताओं से लोकतंत्र से जुड़े सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं समापन के उपरांत स्थानीय RWA एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी इस लोकतांत्रिक सार्थक चर्चा को लेकर डॉक्टर सारिका वर्मा के अदम्य प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आज हमने सेक्टर 31 की कम्युनिटी सेंटर में एक प्रोग्राम रखा था अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। यहाँ हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी, लेखक परंजय गुहा ठाकुरता जी और गांधीयन और सामाजिक तौर के लीडर रघु ठाकुर जी, 3 वक्ता रहे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और किस तरह आज डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसका फैब्रिक बदल रहा है और सिटीजन्स का क्या इसमें महत्वपूर्ण रोल है, उस पर बहुत बढ़िया चर्चा हुई। ऑलमोस्ट 2 घंटे बात चली, कोई भी आदमी मुझे लगता है कि उठ के गया नहीं। और ये मैसेज हम पूरे इस आपके माध्यम से पूरे देश और को देना चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी को खतरा लग रहा है तो केवल जो खतरा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो हम आम नागरिक हैं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब हम खामोश रहते हैं तो क्रूरता बढ़ती चली जाती है, अन्याय बढ़ता चला जाता है और डेमोक्रेसी का जो फैब्रिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसको बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है वो हमारी जनरेशन पे है। और अगर हम लोग चुप रह गए तो अगली जनरेशन इस देश में रहने लायक नहीं रहेगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को तो वैसे ही बाहर भेज रहे हैं, लाखों बच्चे बाहर जा चुके हैं। आप देखेंगे वीज़ा के नाम पे US, कैनेडा, UK सब जगह इंडियन जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों बच्चों को इस देश में रहना है। और इस देश को हम ऐसे ये छोड़ के नहीं जा सकते कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे बच्चे तो अच्छे से पढ़ ही जाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के रूप में कि देश में संविधान रहे, डेमोक्रेसी रहे। और डेमोक्रेसी की अगर हत्या हमारे जीवन काल में हो तो हम चुप ना रहे। एक बड़ी स्पष्ट बात ये कह दूं, शिक्षा हम फ्री देते हैं, चिकित्सा हम फ्री देते हैं, बिजली हम फ्री देते हैं, पानी हम फ्री देते हैं, महिलाओं को बस यात्रा हम फ्री देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हम फ्री देते हैं, उसके बाद भी 8,200 करोड़ रुपए कमा के सालाना सरकार के खजाने में जमा करते हैं। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, ना आप शिक्षा देते, ना आप चिकित्सा देते, ना आप बिजली देते, ना आप पानी देते, ना आप किसान का ख्याल रखते, ना महिला का ख्याल रखते, ना रोजगार देते। और इसका हिसाब जनता लेगी 2024 के चुनाव के बाद।